स्प्रिंग 2015 मेरे प्यारे बच्चों आ जाए। यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑन द ऑडिट ऑफ अ लिस्टेड कंपनी कामिल लिमिटेड। प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट यू केम अक्रॉस अ प्रोस्पेक्टस इश्यूड बाय द नीलम लिमिटेड अकॉर्डिंग टू विच अ डायरेक्टर ऑफ KL इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ नीलम लिमिटेड। सही है। हाउएवर द नेम ऑफ नीलम लिमिटेड वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी प्रोवाइडेड बाय KL। आपको मैनेजमेंट ने RP के नाम दिए, उसमें ये बंदा नहीं आ रहा था। आपको पता चला कि भाई ये बंदा रिलेटेड पार्टी है। ऑन बींग कॉन्फ्रंटेड द मैनेजमेंट हैज एडवाइज दैट द नेम वॉज ऑमिटेड mistakenly as the appointment took place just to इस सवाल को अगर आप एक बार पढ़े खुद से जल्दी से चिति चिति खुद से पढ़े। आपने related party identify कर ली है, आपने related party identify कर ली है, आपने related party identify कर ली है। क्या ये लिखू? ये करा है तभी तो RP identify हुई है। और जब RP आइडेंटिफाई हो गई तो अब क्या लिखूंगा? अब ये लिखूंगा प्यारे बच्चों, सेंस समझ आ रहा है? सिर्फ एक चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं और कुछ काम लिखना नहीं सीख रहे अभी। ड्राफ्टिंग अल्लाह की कसम, आज के क्लास में क्या सीखा है? सवाल को पढ़ने की तमीज कैसे होनी चाहिए। अगर इसका आंसर यहां से लेके यहां तक है तो क्यों है? सवाल समझे। द रिलेटेड पार्टी हैड बीन आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिटर दैट वॉज नॉट प्रीवियसली डिस्क्लोज By the merit, it means you have already performed this procedure. Therefore, you have identified the related party. And once you can auditor identified the related. What should be the audit procedure? These are the foreign से नीलम का नाम engagement team को बताएंगे। Management से request करेंगे नीलम के साथ जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं सारी की सारी हमें disclose करें। उसके बाद जल्दी छेती छेती अपने management से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका इंटरनल कंट्रोल इतना कि आप नीलम को आइडेंटिफाई नहीं कर सके। उसके बाद मैं कहूंगा कि नीलम है तो जेलम भी हो सकता है। मैं अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करूंगा और उसके अगेंस्ट मजीद ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। और अगर मुझे लगता है मैनेजमेंट ने जानबूझ के मुझसे नीलम छुपाई है, हाँ, तो मैं कहूंगा इट कुड बी फ्रॉड। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। मुझे पता होना चाहिए सवाल में क्या क्या हो चुका है और अब मजीद क्या करना है। अभी जो हम ये कहते हैं ना, इसका आंसर यहां से लेके यहां तक सिर्फ इसको समझ रहे हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर रहे, सिर्फ थ्योरी। और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी बच्चे के लिए क्या हो जाता है? मुश्किल, जब उसको पता ही नहीं होगा कि उसने लिखना क्या है। बच्चों ये बात समझ आती है, बड़ा एक्टिव रहना है। चले आ जाए।